वेलकम बैक टू माई चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग और मैं हूँ रिचा। तो हम फिर से पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। इस बार आप देख सकते हो कि हमारे होटल का रूम कुछ चेंज लग रहा है, क्योंकि जिस रूम पे हम हमेशा रहते हैं, मीन 3-4 साल से हम जब भी आते हैं इस होटल पे तो हम सेम रूम पे ही रहते हैं, पर वो खाली नहीं है तो हम दूसरे रूम में रह रहे हैं। रूम उस रूम से थोड़ा सा छोटा है और बट ठीक है। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कल मैं बहुत ज़ोर से गिर गई थी, मीन्स मेरे पीठ और कमर पे बहुत ज़ोर की लगी थी, पता नहीं कैसे। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और बारिश के कारण मुझे टाइल्स में पानी दिखाई नहीं दिया और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर गई, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा आज पेन हो रहा है। नहीं गाइस, ठीक हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ उज्जैन में हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बार हम ओंकारेश्वर नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी मार्च पे आए थे और हम ओंकारेश्वर से आ चुके हैं। होटल पहुँचते ही हो चुका था टाइम दोपहर के 1 बजे का। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से नहाए और नहाने के बाद फिर होटल के नीचे में ही रेस्टोरेंट है, सो हम वहाँ पर गए खाना खाने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि अगर आप कोई भी होटल पे रुके हैं और वहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट है तो आपको खाना खाने नाश्ते के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और आपकी जब मर्ज़ी हो, जब आपको खाने का मन हो तब आप नीचे जाके खा सकते हो। नीचे जाने के बाद हमने किया ऑर्डर कि हमें क्या क्या खाना है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो भीड़ की वजह से हमारा ऑर्डर आने में भी थोड़ा सा लेट हो रहा था। देन फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेरा व्लॉग। बाय गाइज़।